आधुनिक युग में भी मनुस्मृति जारी है। क्या प्रथाएं कई बार कानून से ज्यादा मजबूत होती हैं? दोस्तों, ईमानदारी से कह रहा हूं कि यदा कदा अपने व्याख्यानों में मैंने सवाल उठाया, उसका जवाब देने की भी मैंने कोशिश की, और जब मैं सोच समझ रहा था और उसकी जितनी क्लैरिटी स्पष्टता आज डॉक्टर अंबेडकर को पढ़कर हुई है, मुझे लगा कि जो बात मैं कह रहा था वो बात ठीक ही है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ऐसा लगता है कि मनुस्मृति ऐसा है कि जो आज ही बना हो वो कभी बासी या पुराना नहीं हुआ। इसकी जहरीली जो आइडियाज हैं वो बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, न्यायाधीश सबके अंदर है। इसकी ट्रेनिंग बकायदा परिवारों में दी जाती है, समाज में दी जाती है, तो ये कैसे खत्म हो सकता है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। अगर आप ये सोचते हैं कि कानून भारत में संविधान लागू है, इसके बावजूद मनुस्मृति की स्मृतियां जारी हैं, वो व्यवहार जारी हैं, तो ऐसा क्यों है? ये पूरा जानने के लिए पूरा वीडियो सुनते रहिएगा और इसको लगातार शेयर करते रहिएगा। चलिए वॉल्यूम 10 उठा लीजिए, पेज नंबर 182 से लेकर 186 तक आप चले जाइए, आपको वहां ये सब कुछ दस्तावेज उपलब्ध है। वो कह क्या रहे हैं उसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखते हैं कि कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, ऐसे मामले को छोड़कर, सामाजिक आचरण और नागरिक अधिकारों को नियमित करने, उसको गवर्न करने वाले कानून के रूप में मनुस्मृतियों को लागू नहीं किया जा सकता, एकदम ब्लंटली ओपनली लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन भले ही कानून के रूप में उसकी मान्यता नहीं रही है, प्रथा के रूप में वह आज भी विद्यमान है, आज भी प्रेजेंट है। कानून के मामले प्रथा कोई नगण्य चीज नहीं है। यह सच है कि कानून को राज्य अपने पुलिस बल के माध्यम से लागू करता है, और प्रथा यदि वैध नहीं है तो उसे राज्य लागू नहीं कर सकता। लेकिन व्यवहार में इस अंतर का कोई महत्व नहीं है। राज्य जितने जोरदार तरीके से कानून को लागू करता है, उससे भी जोरदार तरीके से इस प्रथा को जनसमूह लागू करता है, लोग लागू करते हैं। लोग इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इसका कारण यह है कि संगठित जनसमूह, ऑर्गेनाइज्ड लोग, जनसमूह की बाध्यकारी शक्ति, उनका जो फोर्स होता है, राज्य की बाध्यकारी शक्ति से कहीं अति ताकतवर होती है, प्रबल होती है। ये सूत्र है, समझते जाइए कि एक लाइन यहां बहुत ही मारक है, बहुत ही दर्शन से भरा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, मनु का धर्म तकनीकी रूप से कानूनी नहीं रहा है, फिर भी इस कारण उसकी विश्वसनीयता पे, उसके यूटिलिटी पे कोई आंच नहीं आई है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनु के इस धर्म के प्रभाव को पूरा करने में सक्षम है। इंस्टीट्यूशन, बार बार मैं कहता हूं, संस्थाएं और लोग, मंदिर, मठ, तमाम ऐसे लोग। आगे लिखते हैं कि इन परिस्थितियों में सर्वोपरि है प्रथा का बल, प्रथा की शक्ति, समाज के हर समूह की न केवल कार्य करने की बल्कि अनुभव करने की, विश्वास करने की, आकलन करने की तथा स्वीकार या अस्वीकार करने की आदतें होती हैं। वो कानून से नहीं आता, परंपराओं से आता है वो आदतें। वे समूह की मानसिक वृत्तियों का, जो माइंडसेट होता है, उसके अंग होते हैं। हर नवांगत, जो भी नया मेंबर आता है, चाहे वह समूह में जन्म से या अंगीकरण से या एडॉप्ट करने से या जन्म से शामिल होता है, इस सामाजिक माध्यम की दीक्षा प्राप्त करता है। संस्कार, जिसको आप कहते हैं कि घर में ही वो संस्कार शुरू होते हैं, यह प्राप्त करता है। हर समूह के भीतर
यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कि समूह की इन मानसिक वृत्तियों को समूह को के नए सदस्य के ऊपर गोदा जाए। मैं कई बार कह चुका हूं, जो साथी अंबेडकर नामा सुनते होंगे, असली ट्रेनिंग तो घर में मिलती है, स्कूली शिक्षा तो व्यवसायिक शिक्षा है। बचपन से माथे में गूंथ दिया जाता है कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, कौन छूत है, कौन अछूत है, एक घर में ही ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर घर प्राथमिक पाठशाला है तो मैं बार बार मैंने कहा है, अपने क्लासरूम में भी कहा है, देन इट इज ए बैड पाठशाला। ये बात कह रहे हैं, आज मुझे क्लैरिटी हुई है, मुझे मेरे आइडियाज को ऑथेंटिसिटी मिली है। कहते हैं कि वो मानसिक रूप उसको गोदने की कोशिश होती है, उसके द्वारा समूह व्यक्ति का समाजीकरण करता है या जो न्यू मेंबर्स की मानसिक स्थिति या व्यवहारिक वृत्तियों का निरूपण करता है और वो व्यक्ति समूह पर आश्रित हो जाता है। भले ही व्यक्तिगत रूप से कुछ और सोचता हो लेकिन वो समूह पर आश्रित रहता ही है। वस्तुतः इन रियलिटी वो समूह पर इतना ज्यादा आश्रित हो जाता है कि तुरंत पंक्ति में लाइन में खड़ा हो जाता है और समूह में प्रचलित श्रद्धा और व्यवहार के तौर तरीकों को स्वीकार कर लेता है। ये उसके अपने मानस की स्थायी वृत्ति, उसके अपने माइंडसेट की एकदम परमानेंट थिंग बन जाता है, स्थायी वृत्ति बन जाते हैं। समूह व्यक्ति का किस तरह समाजीकरण करता है, भले साइंटिफिक को बाहर ले, घर में जाके जनऊ पहनना पड़ता है, संस्कार करने पड़ते हैं, तमाम सब कुछ वो परंपराओं से समाज से उनको मिलता रहता है। समूह व्यक्ति का किस तरह समाजीकरण करता है, यहां पे डॉक्टर अंबेडकर बड़े फिलोसफर ग्रोटे को कोट करते हैं, लंबा कोट है और कोट में नहीं जाऊंगा, आप देख लेंगे किताब में, और कोट करते हुए फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष में लिखते हैं कि जब किसी मनुष्य के भीतर कर्म, अनुभव, आस्था, आकलन, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस के तौर तरीके छन छन कर प्रथा और परंपरा का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें लागू करने के लिए कानून की मान्यता की जरूरत नहीं रह जाती। हजारों साल की जो मान्यताएं हैं उसको लागू करने के लिए कानून की कोई जरूरत नहीं रह जाती। सोचिए, समूह सदैव सामूहिक कार्रवाई द्वारा पूर्णाधिकारों का अंबार खड़ा कर सकता है और यह देख सकता है या इंश्योर कर सकता है कि कोई उसका उल्लंघन न कर सके। संविधान एक तरफ, कानून एक तरफ और परंपराओं से मिले हुए अधिकार एक तरफ, और कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मनु की धर्म व्यवस्था पर यही बात लागू होती है। सदी दर सदी मनु के धर्म में यह विनिमय शक्ति चली आ रही है। अतः वह हिंदुओं की प्रथाओं और परंपराओं का अभिन्न अंग और अनिवार्य अंग बन गया है। वह हिंदुओं के खून में, रक्त में समा गया है और उनके जीवन के रक्त को विशिष्टता प्रदान की है। कानून के रूप में उसने हिंदुओं के कर्मों पर नियंत्रण किया है। कानून के रूप में उन्होंने हिंदुओं के कर्मों पर नियंत्रण किया है, भले ही अब वह प्रथा मात्र है पर आज भी उसका महत्व कम नहीं है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसके चरित्र को ढालता है और उसके दृष्टिकोण की दिशा निर्धारित करता है। एक एक लाइन बहुत ही दिलचस्प और मारक है, सुनते रहिए और शेयर करते रहिए क्योंकि अगली लाइन और भी ज्यादा दिलचस्प है। आगे कहते हैं, एक और बात है जो मनु के धर्म को समाप्त नहीं होने देती, वह यह है कि कानून उसके प्रचार प्रसार में रोक नहीं लगाता। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो संभवतः अनेक लोगों के जहन में नहीं उतर पाती। यह कहा जाता है कि ब्रिटिश राज की यह देन है कि मनुस्मृति अब देश का कानून नहीं रह गई है। इसमें संदेह नहीं कि यह एक महान देन है कि अदालतों से अब अपेक्षा नहीं की जाती कि वो मनुस्मृति के उपबंधों के को कानून के रूप में लागू करें। अब सर अदालतों से यह अपेक्षा नहीं होती है,
ये मनुस्मृति के जो कानून है उसको लागू करें। इस बात को तो वे भुक्तभोगी भी अच्छी तरह समझ सकते हैं जो इस घिनौनी चक्की के पाटों के बीच पिसे हैं। यह अस्पृश्यों के लिए भी उतना ही महान वरदान है जितना कि यूरोप वासियों के लिए धर्म सुधार आंदोलन था। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना होगा कि धर्म सुधार का कोई लाभ न होता यदि वहां प्रोटेस्टेंट आंदोलन नहीं होता, प्रोटेस्टेंट क्रांति नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर यहां प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को कोट करते हुए लिखते हैं कि मेरे विचार से प्रोटेस्टेंट क्रांति की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर वन, राज्य सर्वोपरि है और चर्च सरकार के अधीन है, राज्य के अधीन है, स्टेट के अधीन है। दो, जिस सिद्धांत का प्रचार करना हो उसका अनुमोदन राज्य से कराया जाए, रिकमेंडेशन राज्य से होना चाहिए। तीन, पादरी राज्य के सेवक हों और वे न केवल उन अपराधों के लिए दंड के भागी होंगे जो देश के सामान्य कानून के विरुद्ध हैं, बल्कि उनके लिए भी जिन्हें नैतिक कहा जाता है। वे राज्य के अनुमोदन के बिना अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं करें। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंटरवेंशन इन द रिलीजियस अफेयर। यहां डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं राज्य द्वारा मान्य चर्च का पक्षधर हूं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अधीन यह सुरक्षा और संरक्षण है कि धर्म के सिद्धांतों के नाम पर कोई भी व्यक्ति अनुचित और घिनौने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो इस सिद्धांत के विरोधी हैं, लेकिन चाहे यह व्यवहार सिद्धांत अच्छा हो या बुरा हो, तथ्य यह है कि मनु द्वारा निर्धारित धर्म के प्रचार प्रसार पर कोई कानूनी रोक नहीं है। न्यायालय उसे कानून नहीं मानते, लेकिन कानून उसे कानून के प्रतिकूल भी तो नहीं मानता। वस्तुतः हर गांव में रोज यही होता है जब पंडित इस धर्म का उपदेश माता पिता और माता पिता उसका उपदेश अपने बच्चों को देता है, तो मनुस्मृति कैसे समाप्त हो सकती है? कितने माता पिता संविधान की शिक्षा, जो बड़े लोग हैं, बड़े जात भी कह लीजिए, संविधान की शिक्षा देते हैं। घर में तो पहले मनुस्मृति ही पढ़ाया जाता है, उसके पाठों की जड़ों को रोज सींचा जाता है, उसमें खाद मिट्टी दिया जाता है और हर हर को याद कराया जाता है कि अस्पृश्यता उनके धर्म का अंग है। बात समझिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उनका काम यही करना है। आज भी अंग्रेजी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उनके माता पिता भी यही सोचते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं गंभीरता से सुनते रहिए। आगे कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मनु के धर्म के इस दैनिक प्रचार प्रसार की विषैली छूत बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके मन में, मानस में, दिमाग में घुस गई है। यह न्यायाधीशों के मानस में भी घुस गई है। कलकत्ता का एक समाचार है, यहां एक उदाहरण देते हैं कलकत्ता का, कि नॉबिन नामक एक डोम जो अस्पृश्य जाति है पर बकरी चोरी करने के इल्जाम का मुकदमा चलाया गया। दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसने वादी के खिलाफ मान हानि के लिए फरियाद की। मजिस्ट्रेट ने उसकी फरियाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वो तो निम्न जाति का है, उसका कोई मान है ही नहीं। इस पर उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि उसका दृष्टिकोण गलत है और दंड प्रक्रिया जो प्रोसीजर है, दंड प्रक्रिया के अधीन सभी व्यक्ति समान है। यहां डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, लेकिन बात यह है कि मजिस्ट्रेट को कहां से यह पता लगा कि अस्पृश्य का कोई मान नहीं होता, वो तो संस्कारों से ही पता लगा था। निश्चय ही यह उसे मनुस्मृति के उपदेश
से पता लगा था। कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मनु का धर्म तो कभी पुराना हुआ ही नहीं या बासी हुआ ही नहीं, वो तो इतना ताजा है जैसे उसे आज ही बनाया गया। लक्षण तो ऐसे हैं जैसे भविष्य में भी उसका वर्चस्व बना रहेगा। प्रश्न केवल इतना है कि यह स्थायी होगा या अस्थायी। कितना शानदार ये क्लैरिटी है जो मैं लगातार इतने वर्षों से बार बार कहता हूं कि इट इज क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट। जो दिमाग में मनुस्मृति जनऊ दिमाग में बंधा होता है, आजकल शरीर पर नहीं माथे में लोग जनऊ लपेटते हैं। अंग्रेजी पढ़ लेंगे, मंगल पे चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, लेकिन वो संस्कार लगातार कहता। लेकिन आज मेरे विचार को यहां वैधानिकता मिली। डॉक्टर अंबेडकर 30 और 40 के दशक में वही बात लिख रहे थे जो मैं अपने सामाजिक अनुभव से, अपने निजी अनुभव से लगातार सार्वजनिक सभाओं में साझा कर रहा था आप सबसे। शुक्रिया। देखते रहिए अंबेडकर नामा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगे कि अंबेडकर नामा ज्वाइन किया जा सकता है तो सब्सक्रिप्शन के पास ज्वाइन बटन है, जाइए और ज्वाइन भी कीजिए। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। जय भीम।